हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल डेली अपडेट्स इंजीनियरिंग में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं JBCCI अपडेट के बारे में। JBCCI 11 की सेकंड मीटिंग दोस्तों अगले महीने होने वाली है। इसी को लेकर आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ये मीटिंग कब होगी, इसमें जो है किन मुद्दे पर बात होगी, क्या इसमें सैलरी में 50% का इंक्रीमेंट होगा या नहीं। दोस्तों, इसी को लेकर आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को एक बड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि दोस्तों, अगर आप लोग WCL की तैयारी कर रहे हैं, WCL में माइनिंग सरदार की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों हम जो है उसके लिए 1 नवंबर से एक न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों को WCL का फुल तैयारी देखने को मिलेगा। पूरे ऑल ओवर इंडिया से आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से क्लास लगाते हैं दोस्तों हम, जिसके माध्यम से आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा हमारे पास माइनिंग के नोट्स अवेलेबल हैं, माइनिंग MCQ अवेलेबल है, MCQ के नोट्स हैं जो कि आपको हार्ड कॉपी में घर पार्सल कर दिए जाते हैं। दोस्तों, इसके लिए आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर आप लोगों के सामने शो हो रहा है, एक कॉलिंग नंबर है, एक व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। डायरेक्ट ही जो है आप लोग कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं, नोट्स लेकर किसी भी माध्यम से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। साथ ही हम लोग जो है सेकेंड क्लास फर्स्ट क्लास की भी तैयारी कराते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट 11 की जो सेकंड मीटिंग है वो अपना 15 नवंबर 2021 को कंडक्ट की जाएगी। JBCCI 11 की जो सेकंड मीटिंग है, इसका काफ़ी दिनों से काफ़ी लोगों को इंतज़ार है कि ये सेकंड मीटिंग कब होगी। पहली जो मीटिंग हुई थी दोस्तों, इसमें जो है नॉर्मल मुद्दे पर बात हुई थी। नॉर्मल मुद्दे पर बात होने के बाद इसमें JBCCI में जो है अपना सारे मजदूर यूनियन की तरफ से 50% सैलरी इंक्रीमेंट का मुद्दा उठाया गया, जो कि इस बार काफ़ी पॉसिबल होता नहीं दिख रहा है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट के लिए गठित JBCCI की सेकेंड बैठक जो है अपना ये इसकी सूचना जारी कर दी गई है। यह जो बैठक है 15 नवंबर 2021 को कोलकाता स्थित जो है अपना जो CIL का जो मुख्यालय है, यानी कि हेड ऑफिस जो है कोलकाता में, वहाँ पर आपका बैठक होगी। मैं आप लोगों को बता दूं कि सोमवार को CIL यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड के महाप्रबंधक एवं श्रम शक्ति औद्योगिक संबंध से जो अपना सचिव हैं अजय कुमार चौधरी जी, इन्होंने जो है पत्र जारी किया। ये पत्र जारी करके इन्होंने बताया कि 15 नवंबर को सुबह 11 बजे से JBCCI 11 की बैठक होगी। JBCCI 11 में जो है इस बार 1000 से ज़्यादा ऐसे कर्मचारी हैं जिनको 1000 रुपये से कम का जो है अपना पेंशन मिल रहा है, वो एक मुद्दा है जो कि एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा जो है 50% सैलरी इंक्रीमेंट का मुद्दा रखा गया है कि कम से कम जो है कोल कर्मचारियों का, कोल इंडिया लिमिटेड और सिंगरेनी कॉलरेज कंपनी लिमिटेड के कर्मचारियों का 50% सैलरी इंक्रीमेंट होना चाहिए। मैं आप लोगों को बता दूं कि JBCCI 11 की जो फर्स्ट मीटिंग है 17 जुलाई को हुई थी। इस मीटिंग में जो है अपना वेतन समझौता को लेकर चर्चा शुरू नहीं हो सकी, अन्य मुद्दों के साथ जो है चर्चा ख़त्म की गई। अब जो है 4 महीने के बाद में JBCCI 11 की सेकंड मीटिंग होने जा रही है। सेकंड मीटिंग दोस्तों अगर ये कंडक्ट होती है, इसमें जो है अपना सैलरी इंक्रीमेंट का मुद्दा उठता है, तो इसके बाद ये कंफर्म हो जाएगा कि आप लोगों की कितनी सैलरी बढ़ेगी, यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों का कितना जो है वेज एग्रीमेंट देखने को मिलेगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि हर बार जो है 20%, 10%, 5% तक का इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। इस बार जो है 50% इंक्रीमेंट की बात की गई है सारे मजदूर यूनियन की तरफ से। सारे मजदूर यूनियन जो है इस बार एकजुट हो चुके हैं। अब हमें यह देखना होगा कि कितना जो है इसमें सैलरी इंक्रीमेंट होता है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि अगर सैलरी इंक्रीमेंट नहीं होता है, JBCCI बैठक जो है पूरी कंडक्ट नहीं होती है, तो इसका क्या घाटा होता है। सारे मजदूर यूनियन को इसके बाद जो बैठक होती है, तो जो ख़त्म हुआ बैठक वहाँ पर, जैसे कि जो है अपना कोल वेज एग्रीमेंट 2010 था, यानी कि 10वां वेतन समझौता था, वो कि अपना 30 जून 2021 को ख़त्म हो गया। 30 जून 2021 के बाद में जितना भी दिन लेट होगा, उतने दिनों का जो है एरियर के फॉर्म में पैसा दिया जाएगा। पर दोस्तों, एरियर के फॉर्म में पैसा तो दिया जाता है, पर महंगाई भत्ता और अदर जो सुविधाएं हैं, जैसे कि अंडरग्राउंड अलाउंस वगैरह, ये सारा अलाउंस आप लोगों को नहीं मिलते हैं। ये घाटे के कारण जो है अपना कोल इंडिया का मैनेजमेंट इस बैठक में लेट करता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।